बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आज के ऑनरेबल गेस्ट कैप्टन अनवार साहब, जीनिया हमायूं साहिबा, ब्रिगेडियर साहब उमर फारूक साहब एंड ऑल माय फ्रेंड्स, वेरी वेरी फेमिलियर फेसेस एंड माय फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया एज वेल, ए वेरी वेरी वार्म वेलकम टू दिस ओकेजन। जी ये जी आपको आज लग रहा होगा एक बेबी स्टेप है कि जी हमने कुछ शर्त लगा दिए, लेकिन ये अगर सही तरह चीज़ें इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएँ तो ये माइंड सेट एक लीप फॉरवर्ड है। आप सबकी नॉलेज के लिए आई एम श्योर जीनिया साहिबा मुझे इंडोर्स करेंगी कि जो पेरिस कन्वेंशन अभी साइन अप हुआ है उसमें 2030 तक 196 कंट्रीज ने साइन अप किया डिक्लेरेशन कि वी विल ऑल बी कंप्लायंट विद द क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स एंड ऑल एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो हमें अभी से ही वी शुड नॉट बी स्लीपिंग, वी शुड बी टेकिंग बिग स्टेप्स फॉरवर्ड कि 2030 में हमने अपने मुल्क को हर लिहाज से पेरिस कन्वेंशन पे कंप्लायंट करना है, क्योंकि जो कंपनीज जो मुल्क उस पर कंप्लायंस इंश्योर नहीं करेंगे उनके लिए कोई टैक्स बेनिफिट्स नहीं होंगे, उनके लिए कोई कार्बन क्रेडिट्स नहीं होंगे। तो एक माइंडसेट पूरी दुनिया का चेंज हो रहा है, तो पाकिस्तान आल्सो हैज टू स्टेप फॉरवर्ड टूवर्ड्स दैट। सो इंशाल्लाह जी वी आर वेरी मच पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस इनिशिएटिव। पार्कव्यू के बारे में जिस तरह मेरे कोलीग हुरम साहब बता रहे थे, वी हैव प्लांटेड, वी आर सराउंडेड बाय 15,000 कनाल्स ऑफ बोटैनिकल गार्डन्स इफ आई एम नॉट, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू सीडीए मैनेजमेंट। उन बोटैनिकल गार्डन्स को हमने फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया, बट दैट मीन्स वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होगी। तो बिकॉज वी आर ब्लेस्ड विद दिस ब्यूटिफुल लोकेशन एंड दीज बोटैनिकल गार्डन्स, वी फेल्ट द नीड नॉट जस्ट टू ब्यूटिफाई इट बट टू प्रिजर्व एंड मेंटेन दैट ब्यूटी जो अल्लाह ने हमें की है। तो उसमें हमने अपनी तरफ से वहाँ पर हमने 4 लाख दरख्त लगाए हैं, विच इज़ मोस्टली उसमें पाइन ट्रीज हैं, फ्रूट ट्रीज हैं। एक बड़ा इको फ्रेंडली सोसाइटी बनने जा रही है। हमारी जो पावर नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा सोलर पे हैं, और हम सोलराइजेशन के ऊपर बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स देने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वी वुड बी वेरी हैप्पी इफ सम टाइम डीजे एनवायरनमेंट साहिबा हमें टाइम दें तो हम उनको पूरा प्रेजेंट करेंगे कि हाउ पार्कव्यू सिटी इज़ मूविंग टूवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग। सो इंशाल्लाह जी ये हो सकता है फिलहाल आपको लग रहा हो कि ये अंग्रेजी के लफ्ज़ हैं, लेकिन इनके ऊपर अगर प्रॉपर तरीके से मूव ना किया गया तो हम पीछे रह जाएंगे, और पाकिस्तान किसी तरह से भी पीछे नहीं रह सकता, एंड इंशाल्लाह वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दिस जी, एंड कैप्टन वार साहब हमें आपकी तरफ से फुल अश्योरिटी है कि आप कदम बढ़ाएं पार्कव्यू सिटी आपके हर तरह के इस तरह के इनिशिएटिव में, इस्लामाबाद में जहाँ जहाँ हम प्लांटेशन ड्राइव या कोई रोड्स को ब्यूटिफाई करना है, उनको प्रिजर्व करना है, तो पार्कव्यू सिटी इंशाल्लाह दो हाथ आकर नजर आएगी आपको। थैंक यू वेरी मच सर।